जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आ जाइए जल्दी जल्दी, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी के पास जो है वीडियो को जो है जल्दी शेयर कीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। तो आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, इसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो आप जो है उसे देख लीजिए। आज किसकी बारी है? तो आज आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, है ना। क्या पढ़ेंगे? अनुपात समानुपात। इसके बाद कल क्या रहेगा? अपना प्रतिशत। क्या रहेगा? प्रतिशत। तो इस प्रकार से जो है अपना चलेगा, जो अपना 10 डे का जो टारगेट था, है ना। तो आज तीसरा दिन चल रहा है उसी में, है ना, जो कि अपन देखेंगे अनुपात समानुपात। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए जल्दी जल्दी सभी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अनुपात समानुपात जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो हमें स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 4:9 के अनुपात में ए बी के बीच जो है 39 केणियां वितरित की जाती हैं, बी को इससे कितनी अधिक केणियां मिली, यह पूछा गया है। देखिए ए है, है ना, ए और बी के बीच में किस अनुपात में 4:9 के बीच में जो है केणियां बांटी जाती हैं। टोटल केणियां कितनी है? टोटल उनके पास केणियां थी 39, इन दोनों के बीच में 39 केणियां बांटी जाती हैं। तो ये टोटल कितने हैं ये, जबकि अनुपात के हिसाब से टोटल कितना हो रहा है, जबकि अनुपात के हिसाब से हो रहा है 13, मतलब 13 किसके बराबर है, 39 के बराबर, 13 मतलब 39 13 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, एक की वैल्यू मिल जाएगी 3, है ना, 13 3 39, एक की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब पूछा किस में अंतर पूछा है इसने, कि ए को जो है मतलब कि इसका पूछा है कि बी को ए से कितनी अधिक, बी को जो है ए से कितनी अधिक मिली है, ए से कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक है? 5 अधिक है। मतलब अब जो है हमको 5 बार वैल्यू बताना है, या 13 की वैल्यू, या 13 3 39 और 5 3 15, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इस प्रकार से जो है हमें करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में आया हुआ है ना। हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आज वो पूरे जो है एसएससी जीडी के रहेंगे, जितने भी अभी आए हुए हैं वो ताजे प्रश्न वो पूरे जो है रहेंगे आज, जो अभी 2023 के एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है LM = 2:7, MN = 3:4 और NK = 4:5। तो LMNK, तो हम बताना है LMNK, ये इनका जो है हम अनुपात बताना है। ये दिख रहा होगा आपको LMNK, इनका अनुपात जो है हम बनाना है। तो देखिए क्या है अपने पास, LM बराबर कितना है, 2:7, LM = 2:7, 2:7, L की वैल्यू क्या है, 2, M की वैल्यू 7, और MN = मतलब कि M का मान कितना है, MN = 3:4, है ना, 3:4। फिर किसका दिया है, फिर दिया है N के बराबर कितना है, N = 14:5, 14:5। इस प्रकार से अब देखिए क्या करना है। अब इधर कुछ नहीं है ना, तो इसी 7 को जो है हम इधर रख देंगे, खिसका देंगे। अब इधर भी नहीं है, इसी 7 को जो भी आते हैं उसको खिसका देते हैं। अब इधर नहीं है तो ये 4 को ही जो है हम इधर खिसका देंगे। अब इधर कुछ नहीं है ना, इस 3 को हम इधर खिसका देंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो ये 14 इधर भी अनुपात, इधर भी 14। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये पूरा मिल जाएगा, एम एल सबकी वैल्यू जो है हमको मिल जाएगी। जो कट रहा है कॉमन तो काट दो, जैसे ये 7 से कट गया एक बार, 7 से एक बार, 7 से एक बार, 7 ये एक बार, 7 से दो बार, ये कट गया ना। अब ये और क्या कट सकता है, और क्या कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, 2 से पूरा कट गया, ये कट गया 7 बार, है ना, ये कट गया 7 बार, और ये कट गया 7 बार, ये कट गया 2 बार। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो, 2 * 3 = 6, 6 = 6,
है ना, 3 7 21 7 7 21 गुणा करना है ना, 7 6 28 और 5 2 10 यही जो है इस प्रश्न का आंसर है, इज राइट आंसर। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 6 21 28 10 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार से जो है हमें करना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी SSGD का आया हुआ क्वेश्चन है अभी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 6:14 तो 4a+3b अनुपात 4a-3b का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए, ये इसने पूछा है। अब इसमें आप सभी को जो है एक चीज पढ़ना होगा, क्या, योगानुपात, है ना, आप सभी ने पढ़े होंगे योगानुपात क्या है। तो देखिए योगानुपात मतलब कि एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। जैसे दिया है ए बी बराबर दे दिया सी डी, तो एक बार जोड़ दो आप ए प्लस बी और एक बार घटा दो ए माइनस बी, इसी को जो है हम कहते हैं क्या, योगानुपात। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ये है योगानुपात, है ना। अब क्वेश्चन में है देखिए ए माइनस बी तो जो 6:14 दिया है उसको जो है आप जोड़ दीजिए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। तो एक बार हमने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, एक बार जब हमने 6:14 जो जोड़ा तो हो गया 20। अब इसको जो घटा दीजिए, एक बार घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 6 6 और 14 था तो कितना दिया है क्वेश्चन में अपने पास, दिया है 6:14 तो 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। अब इनको जो है सॉल्व कर लीजिए, ये है ए का मान और ये है बी का मान, इधर से हमको मिल जाएगी ए बी की वैल्यू। तो जब इसको और कट रहा है तो काट दो, तो ये कट गया 5 बार, ये कट गया कितने बार, ये कट गया अपना 2 बार, 4 2 8 4 5 6 20, तो टोटल क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया 5/2, मतलब कि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2। तो बताना क्या है हमें, हमें बताना है 4a+3b अनुपात 4a-3b, ये हमको जो है बताना है। तो ये वैल्यू इसमें पुटिंग कर दो और कुछ नहीं है। तो a का मान कितना था, a का मान था 5 5 को 20, प्लस b का मान कितना है, b का मान है 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 अनुपात 4, a का मान कितना था, इसमें भी a का मान कितना है, a का मान था 5, है ना, तो 5 को 20 माइनस, फिर इसका मान कितना है 3 2 6, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घट रहा है वही चल रहा है सिस्टम, तो एक बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब इसको मैं बटे में ले सकता हूं, तो इसमें 6 से घट जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, अपने पास बच जाएगा 14, ये कितना हो गया 14। अब ये कट रहा है तो काट दो, और नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 13 हो गया ये, और ये हो जाएगा 7, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13:7 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यही है मूलानुपात, है ना। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो वहां से हमको मिल जाती है ए बी की वैल्यू। ये और यदि यहां से बताया जाए कि ये कहां से आया तो उसका मतलब टाइम लगेगा, इसलिए अभी तक इतना ही ठीक है। यदि आपको पूरा बेसिक से समझना हो तो आप मेरी वीडियो जो है देख सकते हैं, उसमें पूरा चैप्टर जो है बेसिक से मैंने समझाया है, तो आप उसकी वीडियो की लिंक जो है इसमें डलवा दूंगा मैं, तो आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, है ना, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाएगा, ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी मेथड है क्या है, क्रॉस मेथड। कौन सी मेथड, क्रॉस मेथड। आप किसी मेथड से कर सकते हैं, किस प्रकार कम टाइम के लिए क्रॉस मेथड बहुत बढ़िया है।
तो देखिए अनुपात क्या था, दो संख्याओं का अनुपात था 3:8। कैसे करना है देखिए, 3:8 था अपने पास, है ना। और फिर क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। और ये कब होता है, जब हम अपन इसमें 8 जोड़ देते हैं, जब हम 8 जोड़ देते तो ये हो जाता है दिन में। अब इस प्रकार से जो पूछा है, अब क्या करना है, इसका करना है हमें इसमें गुणा और इसका करना है गुणा, फिर जितना भी उसका लेना है डिफरेंस। तो 2 × 2 = 6 और 8 × 1 = 8, इन दोनों को घटा, 2 × 2 = 6 और 8 × 1 = 8, 6 और 8 का अंतर कितना हो गया 2, मतलब घटा है तो क्या मिल गया हमें 2। अब इसको इसमें, इसमें का भी गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और फिर इसका जो अंतर आए तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, 8 और 16 से 8 घटा के मिला 8, मतलब कि 2 की वैल्यू क्या है 8। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब 1 की वैल्यू हमें इधर से क्या मिल गई 4। अब जो है 1 की वैल्यू दी 4 है तो हमें वास्तविक रूप से संख्या पता चल जाएंगी। तो 1 की वैल्यू 4 है तो वास्तविक रूप से 3 की क्या रहेगा, 4 × 3 = 12, है ना, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। अब इसमें से हमें क्या घटाने को बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला है कि अब 4 घटा दिया जाए तो क्या अनुपात होगा। अब इधर से यदि 4 घटा दिया जाए, है ना, तो 4 इधर से घटाएंगे अपन, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब 4 इधर से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये हो गया, यदि कट रहा है तो काट दो। तो देखिए 2 से ये कट रहा था, है ना, हाँ 4 से कट रहा था, 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:7, है ना, 2:7, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से जो है हमें करना रहेगा। तो ये मेथड से जो है बहुत कम टाइम में मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा था, नहीं डायरेक्ट आप मन में कर लीजिए, 2 × 6 = 8, 8 × 2 = 8, 2 का अंतर 8 × 8 = 8, 2 × 2 = 16, 2 के बराबर 8, मतलब 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 32, 32 फिर जो है 12 फिर निकाल दीजिए, बस इतना करना था। तो ये मेथड में कम टाइम लगता है ना, और ये भी SSGD का क्वेश्चन आया हुआ है अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस की सीटें, 7, 8, 9 के अनुपात में हैं, है ना, किसके समय, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की साइंस की सीटें 7-8 के अनुपात में हैं। इन सीटों में को क्रमशः 20%, 30% और 60% बढ़ाने का प्रस्ताव है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखिए अब क्या करना है हमें, कितना बोला है, ये 7 सीटें हैं, इसमें मैंने बढ़ा दिया कितना, कितना परसेंट, 20%, 20% मतलब कि 100 पर बढ़ेगा 20, तो कितना हो गया 120%, कितना हो गया 120%, ठीक ना, 120% हुआ। मुझे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट ही जाएगा बाद में, है ना, कट नहीं है क्योंकि अनुपात में चल रहा है तो कट ही जाएगा। अब क्या दिया है फिर 8, इसको कितना परसेंट बढ़ा रहा है, वो इसको बढ़ा रहा है 30%, मतलब कि 130, है ना, 130, फिर अनुपात फिर कितना है 9, और इसमें कितना बढ़ा रहा है, इसमें बढ़ा रहा है वो 60%, मतलब कि 160, है ना। अब जो कट रहा है तो काट दो, ये 0 भी कट जाएगा, ये 0 भी कट जाएगा, ये 0 भी कट जाएगा, है ना, तो मेरे को मैं ठा ही दे रहा हूं, ये ओनली क्वेश्चन हमारे पास अभी इतना बचा, ये और जो कट रहा है तो काट दो आप, जैसे ये कट रहा है अभी देखो, और क्या कट जाएगा वो, और कट रहा है तो काट, हाँ देखो 2 से अपन ने 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, ये कट गया, कट गया कि नहीं, तो 7 × 3 = 21, अनुपात 13 × 2 = 26, है ना, 13 × 2 = 26, फिर 16 × 4 = 64, है ना, अच्छा 4 × 16 = 36, कितना हो गया 36। अब यदि ये कट रहा है तो आप काट दो, और नहीं यदि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 21, 26, 36, ऑप्शन सी ही जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही जो है इसका राइट आंसर है, यही अनुपात बता, ये है
बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। तो मतलब जो भी बोला डायरेक्ट हमने पढ़ा दिया, परसेंट इसलिए लगे कि वो कट ही जाता वो, है ना, तो जीरो भी दिया पर नहीं तो चलता क्योंकि वो लास्ट में कट ही जाता क्योंकि अनुपात में चल रहा था। तो इस प्रकार बढ़ने के बाद जो है हमें आंसर क्या मिल गया, 21, 26, 36, जो कि ऑप्शन कौन सा है अपना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं अभी 2023 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,